नयापल्ली पुलिस कब्जा में नकली सेना अधिकारी आर्मी अफिसर परिचय दे एसयूवी गाड़ी में आर्मी लिखि चलाउथिले एहार पंजीकरण नंबर को भी जालियाती करी आउ जनक गाड़ी नंबर को निज गाड़ी में लगे अभियुक्त जबत एसयूवी पूर्व तीन थर पुलिस हाथ में धरा पड़ी गाड़ी में लगे नंबर में चालाण कटिची हेले चालाण प्रकृत गाड़ी मालिकों पाखक जाइए कि ना ता जाना तेज जरिमाना दे गाड़ी मालिक ए नकली बाबू को पिछा करी आसुथिले जरिमाना गणितबा व्यक्ति को सूचना आधार रे नकली बाबू को पुलिस गिरफ्त करी छे कॉल करिया समय रे से आमे तंग पचालु रतिकाल सपुति तंगर कोनोसी प्रमाण पत्र दे पर नथिले से जन आर्मी अफसर बोले आ तंग क्रॉस चेक कराइतला से कोट ट्रेनिंग करथले तंगर बैचमेट के अछंदे आ सीडीएस रे कोन कोन ट्रेनिंग दिया जाय से किछ कहि पर नथिले परवर्ती समय रे संदेह था से मिछ कहते कार जो सर्च कलु से ओरिजिनल नंबर नुह से गाड़ी टी संजय दास संजय गुप्ता बोली जड़े लोक नाँ अच्छे एसयूवी गाड़ी रे फ्रंट आउ बैक रे आर्मी बोली स्टिकर लगे गाड़ी रे गोटे आर्मी कैप रखिंटे कारण जे जो व्यक्ति से कहते बर्तमान मग्ना फाइनेंस रे काम निश्चित भाव किसी ठकियापुर उद्देश्य अच्छे से निजर परिचय लुचे कि निजी को आर्मी बोली आर्मी अफसर बोली कहीकि लॉकडाउन सटडाउन समय रे स्टिकर लगे भुवनेश्वर से बुलूंत गाड़ी चालान जी कि ओरिजिनल ओनर ताकू सब चालान अड़ा जाए बर्तमान आम गिरफ्त कर मान्यवर अदालत पाखे प्रड्यूस कर तदंत चली बैकग्राउंड कौन से कहीं आर्मी अफसर कहते प्रकृत से कौन करते बाबद सीधासख आलोचना करने फोन लाइन आम प्रतिनिधि संतोष जेना आम सहित जोड़ संतोष नयापल्ली पुलिस कब्जा को केमती सेनाधिकारी आसिले केमती ठाब करागला पूरा घटना केमती संतोष जानवाक चाहबू जिते गाड़ी मालिक निजे लॉकडाउन रे कौन जरूरी कालीन परिस्थिति रे घर को घर बाहर लगातार भाव में किसी दिन हम जब लॉकडाउन होती घर को पाखापाखि 15-20 हजार टंकार फाइन जा सारा सी भी आश्चर्य होते मो पाखक मो गाड़ी घरे अच्छी फाइन केमती आते से जातीय राजपथ जाते धला गाड़ी सामने गोटे कला कलर एक्सयूवी समान दुईट गाड़ी केवल रंग अलग असली मालिकों धला गाड़ी जे नकली आर्मी अफिसर कला गाड़ी कला गाड़ी धला गाड़ी नंबर दुटा एका से आश्चर्य होते गाड़ी नंबर धरी आउ गोटे गाड़ी केमती रास्त बुलू फलो करट पाखे धरले पुलिस को फोन कले संपृक्त व्यक्ति जे ठक बर्तमान समय से मग्ना फाइनेंस काम करचय देखते कि बातविकता जमापड़ से गोटे बड़धरणर राकेट चल बड़धरणर अपराध ठकई सामिल होता पारती बोली बर्तमान तक सूचना मिली गाड़ी भितर गोटे आर्मी क्याप रखी तापर जे पचारूला गाड़ी आगे पचरे आर्मी लिखी हुए तो आपड़ जानते जे सेना अधिकारी समस्त पाखे संवेदनशीलता अच्छी जार से भरपूर फायदा उठाते जदि भी किए गाड़ी चेकिंग करने चेस्टा करता तो किए आर्मी क्याप देखा पर मनरे गोटे सम्मानजनक स्थिति देखा होता जो कि किसी कहू ना पूरा हाई सिक्यूरीटी जोन रे से एक्सक्यूटी बारंबार बुलूला ब्यारिकेड तोड़ूला ता सहित नियम भांगुला पुलिस कर्मचारी मानक व्यवहार खराब करूला जो कि बारंबार ता ना फाइन पड़ी बर्तमान अधिक तदंत चली प्रकृत में से चोरा गाड़ी जड़े चंदन गुप्ता बोली जो गोटे इनफोसिटी थाना मामला होती से अभियुक्त बर्तमान फेरार अच्छी सा मालिकाना गाड़ी को पुणी कौन पर असली मालिकों नंबर को चेंज करम कर जाना कि भाया एक्सयूवी कार गोटे नंबर अच्छी प्रकृत में आप किसी बड़ राकेश ना आउ किसी ये संपर्कित खबर बर्तमान खोलकार चली आ किसी समय पर स्पष्ट भाव जना पड़ संपृक्त नकली आर्मी अफिसर को गिरफ्त कर बर्तमान समय कोर्ट फरवार कर संतोष सेना अधिकारी वास्तविक जो नकली सेना अधिकारी आपत कहते हैं बर्तमान सदी से गिरफ्त हो सारे तेरे वास्तविक उद्देश्य कौन संतोष जे कहीं से एमती नकली गाड़ी व्यवहार करते उद्देश्य कौन थी सब बड़ कथ हूँ केते दिन धरी से गाड़ी को व्यवहार करते
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧରଣର କିଛି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହଉ କିମ୍ବା ଠକେଇ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ସେ କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା କଥା ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲା ଆପଣ କୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଚ୍ମେଣ୍ଟ କିଏ, ଆପଣ କୋଉଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ, ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଯାଇଥିଲା, ଏସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପଚାରିଲା ସେ ଭୁଲଭାଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ସେଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସେ ଆର୍ମି ଅଫିସର ନୁହନ୍ତି, ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ଭୁଲ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଗୋଟେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫ୍ରଡ୍ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏତିକି ସୂଚନା ଆସିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିୟମ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫ୍ରଡ୍ କରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା ନିବିତା ଯେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପୋଲିସ ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକା କିଛି ତଥ୍ୟ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଅଣାଗଲେ ହିଁ ସବୁ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ରାକେଟ ପଛରେ କିଏ, ଜଣେ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତର ଗାଡି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିଲା, ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କର ଗାଡି ନମ୍ବରର ସେମିତି ଏସ୍ୟୁଭି ଗାଡି ଅଛି ତାଙ୍କର ଧଳା କଲର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଡି ନମ୍ବର ଏହା ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କେମିତି ଜାଣିଲେ, ଏବଂ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ପର୍ସନାଲୀ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା କି, ଏବଂ ଗାଡି ନମ୍ବର ତାଙ୍କର ଦେଇ କିଛି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଫସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କି, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଅପେକ୍ଷା ପୋଲିସ ତାଙ୍କଠୁ କଣ କଣ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା ପୋଲିସ ତାଙ୍କଠାରୁ କଣ କଣ ଉତ୍ତର ରଖୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ନିକଟରେ କଣ ବାସ୍ତବିକ ବୟାନ ରଖୁଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରାସରିଲାଣି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ବାବଦରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।